हेलो एवरीवन, ये ऑटो कैड का हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किए थे। सेकंड वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ पर आपसे ड्राइंग कमांड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें टोटल हमने फोर ड्रॉ कमांड्स पढ़ी थी। लाइंस, आपका पॉइंट, रेक्टेंगल एंड सर्कल। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे और भी ड्राइंग कमांड को डिस्कस करूँगा, जिसमें आर्क पढ़ेंगे हम, और सर्कल के कुछ रिमेनिंग मेथड रह गए हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आर्क के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आर्क यहाँ पर अलग अलग मेथड्स में दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये सब मेथड्स हैं आपके आर्क को ड्रॉ करने के। तो यहाँ पर मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट मेथड, थ्री पॉइंट मेथड। जब आप थ्री पॉइंट मेथड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा ये तीन पॉइंटों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है। तो जैसे ही मैंने थ्री पॉइंट पे क्लिक किया है, आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कमांड लाइन में, आर्क आर्क लिख के आ रहा है। इट मीन्स आर्क आपकी कमांड आपकी स्टार्ट हो गई है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क, तो मैं दे देता हूँ 0,0। ये मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। आपको अगर कोऑर्डिनेट नहीं देना है तो कर्सर से आप वर्क स्पेस में जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर ही क्लिक हो जाएगा। मैं 0,0 अभी मैं यहाँ कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ गया है, ओरिजिन पर आ गया है। क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है। तो मैं इस बार भी कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। मैं डायरेक्ट कर्सर से अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 10,5। एक्स में 10 और वाई में 5। अब थर्ड पॉइंट पूछ रहा है वो आपसे, ये देखिए जैसे ही मैंने सेकेंड कॉमा पॉइंट दिया है तो आपका सेकेंड पॉइंट फिक्स हो गया है। अब थर्ड पॉइंट पूछ रहा है थर्ड पॉइंट आप क्या देंगे। तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ 20,15। तो देखिए आपका ये आर्क ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉ हो गया है। तो ये तो हमने कोऑर्डिनेट से बनाया है। अब एक बार हम देख लेते हैं डायरेक्ट विदाउट कोऑर्डिनेट। आर्क पे आप गए, थ्री पॉइंट, ये पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, ये दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, और ये तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। इसको मैंने डायरेक्ट कर्सर से सेलेक्ट किया है, माउस से का यूज़ करके सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्योंकि मैंने वर्क स्पेस में बिना कोऑर्डिनेट का यूज़ करके इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये थे आपका थ्री पॉइंट मेथड। मैं कंट्रोल ई करके डिलीट कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट आएगा आपका ड्रॉ में आर्क स्टार्ट सेंटर एंड। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट मैं दे रहा हूँ 0,0, एंटर। अब आपसे पूछेगा सेकंड पॉइंट और द सेंटर पॉइंट, क्योंकि आपका ये था स्टार्ट सेंटर और एंड, तो सेंटर पॉइंट आपको देना पड़ेगा। तो मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ 10,0। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए 10,0 पर आ गया है ये। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको एक सेमी सर्कल बनाना है जिसके का रेडियस आपका 10 रहेगा। तो ये मैंने सेंटर ले लिया है 10,0, तो एंड पॉइंट कितना होना चाहिए आपका 20,0। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा 20,0। तो ये आपका एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इसका हम रेडियस भी चेक कर सकते हैं। डायमेंशन पर जाइए, रेडियस क्लिक किया, ये देखिए कितना आ रहा है, रेडियस 10। ठीक है, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल, कितने एंगल पर आपको ड्रॉ करना है। तो ये पहला मैं ले रहा हूँ स्टार्ट पॉइंट 0,0, एंटर। सेंटर पॉइंट पूछ रहा है आपसे, तो मैं इस बार ले लेता हूँ 10,0। अब आपसे पूछ रहा है एंगल, कितने इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप, मैं इस बार एंगल एक अंदाज से लेता हूँ 330। तो ये आपका कितने डिग्री पर कंप्लीट हो गया, 330। अगर मैं इसको 360 कर देता तो ये क्या होता, पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाता आपका। मैं 180 करता, सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता। मैं 90 करता तो एक 1/4 क्वाड्रेंट ड्रॉ हो जाता। 270 ड्रॉ करता तो 3/4 क्वाड्रेंट ड्रॉ हो जाता आपका सर्कल का। तो ये समझ में आ गया आपको एंगल कॉन्सेप्ट। इसी तरह
बाकी आर्क जो मेथड है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, यहाँ पर सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट ऑफ एन एंगल, ये एंगल की बात कर रहा है आपसे, सेंटर स्टार्ट और लेंथ, ये इस लेंथ की बात कर रहा है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ये मेथड है आपके आर्क ड्रॉ करने के। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में हमने सिर्फ एक सिंपल मेथड पढ़ा था, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर का। तो यहाँ पे हम आगे की मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अब 2 पॉइंट। तो पहले हम 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट मीन्स आपको 2 पॉइंट देना है यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट दिया और ये सेकंड पॉइंट, आपका ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। इसी तरीके से 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सर्कल ड्रॉ हो गया है आपका। 3 बार आपको क्लिक करना पड़ा इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, और ये आपको 2 क्लिक से ही ड्रॉ हो गया क्योंकि इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, देखिए आप समझना इसका मतलब क्या है। ये ज़रूरी नहीं है सर्कल ड्रॉ भी हो जाए, ये डिपेंड करेगा आपकी रेडियस के ऊपर। ऐसा नहीं हो कि आपका रेडियस आप इस तरह से लें कि वो टेंजेंट टेंजेंट ना बने। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिटर्न ट्रायल से। ये टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट लिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो मैं रेडियस लेता हूँ 20, ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्कल थर्ड सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये इन दोनों से टेंजेंट है और इसका रेडियस कितना है, 20। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ड्रॉ पे गए हम, सर्कल टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इस बार लेता हूँ मैं 18, ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब एक थर्ड देख लेते हैं हम, सर्कल टेंजेंट 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 मीन्स तीनों से टेंजेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ इन तीनों से एक सर्कल ड्रॉ करूँ जो इन तीनों से टेंजेंट रहे। टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, देखिए हो गया ड्रॉ। तो ये थे आपके सर्कल के मेथड। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है आर्क और सर्कल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ड्राइंग कमांड को डिस्कस करूँगा। पहले आप इन ड्रॉ कमांड्स को अच्छे से समझ लें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।